So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics EMI self induction के बारे में सब कुछ बता दिए फार्मूला से बता दिए EMF कैसे निकालते हैं बता दिए क्वेश्चन डिस्कस किए थे डायरेक्शन कैसे करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो EMF करंट को चेंज करने से कैसे इसको अपोज करता है ये सब डिस्कस कर चुके थे हम लोग तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड एग्जाम का क्वेश्चन है कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड एक सोलेनोइड आपको दिया हुआ याद आ रहा है एक लॉन्ग सोलेनोइड दिया हुआ है करंट हम लोग दे दिए तो इसका एल कितना होगा सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा ये निकालते हैं अंडरस्टूड तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं याद है सोलेनोइड लेट अस टेक ए लॉन्ग सोलेनोइड एल इच क्या है लेंथ ऑफ सोलेनोइड कैपिटल एन इच क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल इन क्या सोलेनोइड एन स्मॉल एन क्या होता है याद है पढ़ चुके हम लोग पिछला चैप्टर देखे होंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल एन बाई एल होता है और टोटल टर्न क्या होता है स्मॉल एन इंटू एल सोलेनोइड के बारे में जानते हैं फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ क्या कॉइल प्रत्येक टर्न के साथ टोटल प्रत्येक टर्न के साथ फाई क्या है मैटिक फ्लक्स है एक टर्न के साथ फ्लक्स ऐसे करते गए सबके साथ फ्लक्स क्या हो रहा है फाई बन रहा है फाई द मैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल फाई इज द मैटिक प्रत्येक टर्न के साथ तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स फाई इक्वल क्या होगा एन फाई देखिए एक टर्न रहेगा तो फाई होता है दो टर्न रहेगा तो टू फाई तो एन टर्न है तो क्या होगा एन फाई टोटल फ्लक्स निकाल दिए हम लोग टोटल फ्लक्स अंडरस्टूड कोई डाउट नहीं है हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल दिए अब हम लोग क्या करेंगे तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा ऑफ सोलेनोइड है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनोइड बी क्या होता है म्यू नॉट एन आई होता है या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई पढ़ चुके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द कहीं पर भी निकालेंगे सेंटर में निकालेंगे कहीं पर भी निकालेंगे तो हम लोग सेंटर में निकालते हैं म्यू नॉट एन बाई एल आई तो टोटल फ्लक्स निकाल दिए बी निकाल दिए हम लोग क्या निकालना है फाई के सहायता से एल निकालना है कैसे निकालेंगे पहले नोट कीजिए कुछ भी नहीं किए हैं मैटिक फ्लक्स कितना होता है जानते हैं टोटल फ्लक्स कितना होगा हम लोग जान गए अंडरस्टूड नोट इट डाउन टोटल फ्लक्स निकाल दिए टोटल मैटिक फील्ड निकाल दिए सोलेनोइड का आप देखिए ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए इसको हम लोग क्या लिखते हैं बी ए कॉस थीटा लेकिन इधर बी है उधर ही एरिया है देखिए एरिया तो हम ऐसे लिखते हैं टोटल फ्लक्स इक्वल टू बी ए कोस जीरो डिग्री टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया बी ए और टोटल फ्लक्स इक्वल टू एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर कौन सा एरिया ये वाला वेयर आर क्या है रेडियस ऑफ कॉइल स्मॉल आर ये वाला ये जो आर है स्मॉल आर को रेडियस बोलते हैं अब टोटल फ्लक्स कितना निकाले हम लोग एन एन फाई का वैल्यू क्या होगा एन फाई बी कितना निकाले हम लोग बी पुट करिए टोटल फ्लक्स क्या है और बी क्या है बी का वैल्यू बताइए म्यू नॉट एन बाई एल
आई इंटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास म्यू नॉट दस नहीं म्यू नॉट कट जाएगा एन फाइव एन एन कट जाएगा म्यू नॉट आई बाई एल पाई आर स्क्वायर। अगर बोलता फ्लक्स निकाल दिए तो यही आंसर होता। क्लियर है? इसलिए क्या होगा ई एम एफ सॉरी सेल्फ इंडक्शन ऑफ क्या सोलेनोइड क्या होता है एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई एन फाई बाई आई सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड पढ़ चुके हैं पिछला। सेल्फ इंडक्शन देखिए क्या है रेशियो फ्लक्स टोटल फ्लक्स बाय करंट इंड्यूस्ड। सो फ्लक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर बाय एल हम लोग फाई निकाल दिए एल निकाल दिए। अंडरस्टूड? तो हम लोग क्या क्या निकाले पहले टोटल फ्लक्स फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड फिर टोटल फ्लक्स के सहायता से बी डॉट ए के सहायता से फाई निकाल दिए फ्लक्स एन फाई बाई आई नोट कीजिए। तो टोटल फ्लक्स निकाल दिए हम लोग ठीक है ना। तो फाई निकल गया बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा क्लियर सॉरी यहां पे भी एन से मल्टीप्लाई होगा क्यों होगा क्योंकि टोटल फ्लक्स जब निकालते यहां पे भी एन से मल्टीप्लाई होगा एन 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 तो ए को एन बच जाएगा हम लोग के पास इक्वल टू एन एक एन कटेगा तो क्या बच गया हम लोग पास कहां गलती की हम लोग एक का फ्लक्स बी डॉट ए होता है टोटल फ्लक्स बी डॉट ए इंटू एन होगा क्लियर है। टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा एन बी ए फ्लक्स टोटल कितना होगा एन बी पाई आर स्क्वायर एन लिख लीजिएगा टोटल फ्लक्स एन फाई का वैल्यू म्यू नॉट एन इंटू पाई आर स्क्वायर ए को एन बच जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो फ्लक्स कितना होता है सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ क्या होता है एन फाई बाई आई वैल्यू पुट किए एन फाई बाई आई एन बाई आई फाई का वैल्यू पुट करिए फाई कितना निकाले हम लोग म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर बाई एल। अंडरस्टूड? एन फाई बाई आई सेल्फ इंडक्शन पढ़े हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू एन फाई बाई आई होता है एन बाई आई अलग कर दिए फाई का वैल्यू पुट कर दिए फाई का वैल्यू निकाल चुके हैं तो क्या हो गया हम लोग के पास म्यू नॉट एन स्क्वायर आई आई कट गया एल बाई एल आई का वैल्यू कट गया पाई आर स्क्वायर या सिंपली हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट बाई एल एन स्क्वायर ए वेर ए क्या है एरिया यही है। एग्जाम में तीन नंबर चार नंबर मिल सकता है तो बोलेगा फॉर्मूला बन गया कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड तो क्या लिखेंगे एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट बाई एल एन स्क्वायर ए वेर एन इज टोटल टर्न ए इज एरिया एल इज लेंथ। अंडरस्टूड? मिनट क्या कॉन्स्टेंट आंसर होता है हेनरी में। तो यही था कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फिर देखिए फाई इक्वल टू बी डॉट ए ये किसके लिए होता है फॉर वन टर्न। टोटल फ्लक्स निकालेंगे टोटल टर्नों का संख्या क्या है n तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एन बी ए कोस जीरो डिग्री एन बी ए टोटल फ्लक्स इक्वल टू एन बी ए। अब टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या था वो फाई निकालना है तो चाहे एन फाई का वैल्यू निकाल दिए हम लोग एन म्यू नॉट एन एन कट गया पाई आर स्क्वायर यानी एक टर्न का फ्लक्स है ये म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर बाई एल एक टर्न का फ्लक्स है। सो सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड एल इक्वल टू एन फाई बाई आई एन फाई बाई आई फाई का वैल्यू पुट कर दिए काटा काटी कर लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई। तो देखिए ये एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या करंट पे वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है ये तो टोटल टर्नों का संख्या निश्चित है एरिया का एरिया निश्चित है एल निश्चित है सब कॉन्स्टेंट है ये एक्चुअली कोई भी कॉन्स्टेंट ही होता है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बता दिए चलिए आगे पढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? अब हम लोग पढ़ेंगे देखिए जैसे हम लोग इंडक्टर क्या है देखिए इसको बोलते हैं इंडक्टर ये इंडक्टर का साइन है एल इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जैसे ये साइन है किसका रजिस्टर का
ये साइन है किसका? कैपेसिटर का। याद आ रहा है कैपेसिटर पढ़ चुके हम लोग, सी बोलते हैं आर बोलते हैं, यूनिट क्या है ओम, और सी का क्या होता है फैराड। तो ये भी एक एलिमेंट बन गया। इंडक्टर एल से डिनोट करते हैं, एल इज अन इंडक्टर इन विच कौन सा करंट फ्लो करता है, इंड्यूस्ड करंट फ्लोज। इंडक्टर जैसे होता है रजिस्टर, इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, तो इसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर जो होता है इज एन एलिमेंट होता है, इज एन एलिमेंट इन ए सर्किट। जैसे एक रजिस्टर होता है, जैसे एक कैपेसिटर होता है, उसे एक इंडक्टर होता है। इज एन एलिमेंट इन ए सर्किट, कोई सर्किट में इंडक्टर एक एलिमेंट, जैसे रेजिस्टर एक एलिमेंट है, कैपेसिटर एलिमेंट है, इंडक्टर एक एलिमेंट है, वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है। आर सी एंड एल ऑल डू नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, करंट पे, वोल्टेज या ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता है, है ना। इधर इधर रेजिस्टेंस जैसे लंबाई पे डिपेंड करता है कि नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर है, ये सब सब कुछ नेचर है। तो कोई सर्किट में हम लोग तीन तीन को एलिमेंट हम लोग जान गए, आर रेजिस्टर, एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर, आर किस में लिखा हुआ रहेगा ओम में, एल किस में लिखा हुआ रहेगा हेनरी में, और सी किस में लिखा हुआ रहेगा फैराड में। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कोई इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, इसे कोई इंडक्टर है। तो देखिए, करंट देंगे तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, अपोज करता है, किसको हम पढ़ चुके हैं, सेल्फ इंडक्शन में अपोज करता है। तो इसके मतलब जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो इसके अंदर जमा हो जा रहा है। द वर्क डन ओन, द वर्क डन ओन इंडक्टर इज स्टोर्ड एज एनर्जी, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन किस में, इंडक्टर में, इंडक्टर में एनर्जी जमा। देखिए ध्यान से कैसे होता होगा, देखिए हम लोग करंट दे रहे हैं, वोल्टेज जा रहा है लेकिन इसको रोक रहा है, तो यहां पे हम लोग करंट जो हम लोग दे रहे हैं जिसको वो रोक रहा है वो जमा हो जाता है, है ना। हम लोग करंट, हम लोग का जो करंट दे रहे हैं वो इंड्यूस करंट क्या हो रहा है, इसको अपोज कर रहा है, ईएमएफ इसको अपोज कर रहा है। तो हम लोग जो करंट दे रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो जरूर क्या हो रहा है, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी में जमा हो जा रहा है इसके अंदर। वही एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कौन सा एनर्जी के रूप में जमा होता है, तो कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है क्या, वर्क डन, हम लोग जो वर्क करें, हम लोग जो वर्क करें उसके अंदर एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ये पढ़ना है। तो कुछ आता है फाइंड क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अन इंडक्टर, कोई इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है जब हम लोग बाहर से करंट पास करेंगे, तब वो जमा कर दे रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, हम लोग जो करंट दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो उसको रोक रहा है। तो हम लोग का करंट वहां पे जमा हो जा रहा है, हम लोग जो वर्क किए वो जमा हो जा रहा है किसके रूप में, एनर्जी के रूप में, हम लोग जो वर्क किए हैं वो एनर्जी के रूप में जमा हो जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू, या E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, या E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लोग, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, वेर V को ही E बोलते हैं, E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो गया, E इंटू क्या हो गया, dq, जानते ही फार्मूला पहले से जान रहे हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज, वोल्टेज को e बोलते हैं, w को dw / dq भी लिख सकते हैं, तो dw इज इक्वल टू e dq। अब e का वैल्यू पुट करिए, क्या होता है e का वैल्यू, ldi / dt इनटू क्या होगा,
डी क्यू। ई का वैल्यू पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में, एल डी आई बाई डी टी प्लस में लिख रहे हैं, ई एम एफ इंड्यूस्ड एल डी आई बाई डी टी पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कैसे ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी था, डी फाई का वैल्यू क्या था एल आई बाई डी टी था, एल एक टर्न का एनर्जी निकल रहा है एल डी आई बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा एल डी आई डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी को अलग से लिख दिया, डी क्यू लिखा हुआ है डी टी लिखा हुआ है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल, क्लियर है, डी आई डी क्यू बाई डी टी को आई बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड आई, डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड आई। सो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वर्क डन एल आई डी आई, छोटा सा वर्क हो गया डी आई करंट के लिए एल आई डी आई, अंडरस्टूड। सबसे पहले एनर्जी कैसे आया, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट रोक रहा है तो हम लोग का एनर्जी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको कोई रोक रहा है तो हम लोग जो वर्क किए वही एनर्जी होता है, तो हम लोग क्यू चार्ज को फ्लो कराने के लिए डब्ल्यू वर्क हुआ, ई का वैल्यू क्या डब्ल्यू बाई क्यू, बी को ही डब्ल्यू बोलते हैं पोटेंशियल है, पोटेंशियल को ही ई एम एफ बोलते हैं, ई का वैल्यू डब्ल्यू बाई क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, डी डब्ल्यू के टू ई डी क्यू, ई का वैल्यू क्या होता है एल डी आई बाई डी टी दिखा चुके हैं, या फेराडे जी लोग पढ़े थे उसके बाद आया था एल डी आई बाई डी टी, क्लियर है फेराडे जी लोग, फिर फाई का वैल्यू एल आई एल डी आई बाई डी टी, एक टर्म का एनर्जी निकल रहा है एल डी आई डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी क्या बोलते हैं हम लोग करंट बोलते हैं, सो आई का वैल्यू क्या है डी क्यू बाई डी टी, सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, एल आई डी आई, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हम लोग को डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पता चल गया एल कॉन्स्टेंट है आई इंटू डी आई, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फॉर ग्रोथ ऑफ आई करंट, आई करंट को पूरा पहुंचाना है तो क्या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, कहां से कहां जीरो से आई, टोटल वर्क निकलेगा जीरो से डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या होता है डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू, एल बाहर में अंदर में क्या होगा आई डी आई, आई डी आई जीरो से आई, वर्क माइनस जीरो एल, आई का एक्स का पावर वन के फॉर्म में है तो क्या होगा आई का पावर टू बाई क्या होगा टू, सो वर्क इक्वल टू वन बाई टू एल आई का स्क्वायर, एक आई का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे जीरो का स्क्वायर, कहां से कहां हो रहा है जीरो से आई हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू वन बाई टू एल आई का स्क्वायर, वर्क इज इक्वल टू वन बाई टू एल आई का स्क्वायर, यही वर्क क्या है एनर्जी है, इसको यू बोल दीजिए, एनर्जी को यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सोलेनोइड, एकदम इजी सा फार्मूला आ गया, एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सेल्फ इंडक्शन के बारे में सब कुछ बता दिए, इंडक्टर क्या होता है बता दिए, क्लियर है सेल्फ इंडक्शन, अगर हमको आपको बोल देगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, तो एम का वैल्यू क्या होगा, उसमें एल था और इसमें क्या आएगा, इसमें उसमें क्या था एन बाई टू था म्यू नॉट एन बाई टू, सॉरी एल एल था ना, एन का स्क्वायर था, वहां पे एल के जगह क्या लिख दीजिएगा एम, और ए क्या है एरिया, अगर म्यूचुअल इंडक्शन निकालने आ जाएगा तो एम एन के जगह एम लिख दीजिएगा, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए पूरा बात, म्यूचुअल इंडक्शन आएगा तो क्या कर दीजिएगा म्यू नॉट बाई एल एन का स्क्वायर, है ना म्यू नॉट बाई एल, म्यू नॉट बाई एल, म्यू नॉट बाई एल एन का स्क्वायर इंटू ए, और एल निकाले आता था क्या था म्यू नॉट बाई एल एन का स्क्वायर इंटू ए, और एनर्जी कितना होता है एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू वन बाई टू एल आई का स्क्वायर, क्लियर है सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, बस एक दो वीडियो लगेगा चैप्टर खत्म होने वाला है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है बताने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो, नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।